गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन एंड आंसर शुरू नहीं किए थे, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था, 3 क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी चैप्टर था। और अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर इसके। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। राजा को किसने सलाह दी थी कि उसे जादूगरों के पास जाना चाहिए या क्यों जाना चाहिए, ताकि उसे अपने सवाल, जो पहला सवाल था उसका जवाब मिल सके कि जो सबसे ज्यादा सही समय है किसी को काम को करने के लिए, उसका जवाब उसे मिल सके। तो कैसे लिखेंगे? इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, वन मस्ट लुक इनटू फ्यूचर। उसे क्या देखना चाहिए? फ्यूचर देखना चाहिए। एंड ऐसा कौन कर सकता है फ्यूचर देखने का? मजीशियन। मजीशियन वर एबल टू डू दैट, वर एबल टू डू दैट। और ऐसा सिर्फ कौन कर सकता है? जादूगर ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इन आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि वो किसकी सेकेंड क्वेश्चन के जवाब के लिए राजा किसका एडवाइस जानना चाहते थे। व्हाट एडवाइस, हुज एडवाइस, हुज एडवाइस डिड पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट, से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। किनकी एडवाइस इम्पोर्टेंट थी राजा के लिए? तो सम पीपल सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सम पीपल सजेस्टेड उन्हें किसकी किसकी सलाह लेनी चाहिए? काउंसलर की, टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर। काउंसलर की, द प्रीस्ट यानी पुजारी की, एंड डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स, एंड डॉक्टर्स एंड द सोल्जर्स, एंड द डॉक्टर एंड द सोल्जर्स, इन सब की क्या लेने के लिए कही? इन सब की आपको दूसरा जो सवाल था कि कौन सबसे जरूरी लोग होने चाहिए किसी की भी काम को करने के लिए, तो उनके लिए उन्होंने जवाब दिया काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर एंड सोल्जर्स। आया सबको समझ में? मैं दो एक मिनट एक आपको सेकंड्स दे रही हूं ताकि आप ये दोनों क्वेश्चन उतार लें कॉपी।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू डू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा जो सवाल था कि किस तरीके से लोगों को किस कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आंसर आए थे, तो उसके लिए आंसर आए थे वो हम करेंगे आंसर नंबर थ्री। तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर है हमारा कि थर्ड क्वेश्चन के लिए सब अलग अलग थे सबके आंसर। सम सेड, कईयों ने कहा सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, कईयों ने कहा लड़ाई को, एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। तो ये कई लोगों ने कहा साइंस को कहा, कई लोगों ने कहा लड़ाई को, और कई लोगों ने कहा रिलीजियस जो धार्मिक पूजा है वर्शिप है उसे। क्वेश्चन नंबर फाउंड है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, किस तरीके से उन्होंने जो जख्मी आदमी था घायल आदमी था उसकी हेल्प कैसे करी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, राजा ने उसका घाव साफ किया था, तो द किंग वॉश्ड हिज वूंड, वूंड यानी घाव, कवर्ड विथ हैंकरचीफ, he also gave him water to drink, क्या दिया था उसे पानी पीने के लिए, and by giving him shelter, और अपने घर में क्या दी थी, shelter भी दी थी, shelter in the hut, शेल्टर इन द हट, इस तरीके से उसकी हेल्प करी थी, पहले वॉश किया फिर रुमाल से ढका, उसके बाद उसे पानी पिलाया और उसे ले जाकर घर में रेस्ट करने के लिए सलाह दिया। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला है, हु वॉज बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था, द बियर्डेड मैन वॉज, द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, राजा का क्या था वो, दुश्मन था। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, क्यों मांगी उसने फॉरगिवनेस, क्योंकि राजा ने उसकी क्या करी थी, हेल्प करी थी, सेव हिज लाइफ, सो ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, because the king saved his life, क्योंकि राजा ने क्या करी थी, उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप ये दोनों तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि राजा ने कैसे माफ किया, आपको कौन किस बातों से पता चलता है कि राजा ने उसे माफ कर दिया था, तो कैसे पता चला था, जब राजा ने कहा कि वो डॉक्टर भेजेंगे उनके लिए और उनकी हेल्प भी करेंगे, त
ताकि और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उन्हें वापस लौटा दे, ये इनसे हमें पता चला था। तो इसको कैसे लिखेंगे, द किंग forgave him by saying that he would send his servants and his doctor to look after him and promise किया, वादा किया to give back his property, और उसे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारी जो property है तुम्हें वापस क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। अब आंसर नंबर 9 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 है एंड दिस इज 8। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, आंसर क्या थे तीनों क्वेश्चन के और आपको सवाल कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो इसका आंसर है the most necessary, सबसे जरूरी पर्सन है, सबसे जरूरी, मोस्ट नेसेसरी इम्पोर्टेंट आएगा, आई एम सॉरी इम्पोर्टेंट, टाइम इज प्रेजेंट, द मोस्ट नेसेसरी person is the person you are at that moment, और जिसके साथ आप होते हो, and most important business या काम, कौन सा काम है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, जिस भी आप व्यक्ति के साथ आप हो उसके साथ अच्छा करना या उसके साथ सिर्फ भलाई करना। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया है कि आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा, तो आपको जो भी आंसर सबसे अच्छा लगा वो आप इसमें लिख दीजिएगा। आज आपको सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, बिल्कुल नीट एंड नीन क्लीन हैंड राइटिंग में, और मुझे भेज देने हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।